हेलो गाइस, आई होप कि तुम सारे वधिया होगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी पूरा कैंट हाँ। तो फ्रेंड्स, आधा व्लॉग ना कुछ मैं ज्यादा गल्ला पता नहीं करांगा इस व्लॉग च, क्योंकि अगे बहुत लेट हो चुके हैं व्लॉग स्टार्ट करने चे। तो अज फ्रेंड्स हैगा आशीष दा बर्थडे, तो अज ही सेलिब्रेट वगैरह करना बहुत वधिया तरीके ना। तो हुण एक मैं ते अभिषेक गए ही उहदे बर्थडे दा सारा डेकोरेट दा समान लैण दा वा। तो हुण मैं चला अपना लंच करन स्कूलों। मैं मतलब एक बजे ने आया ही, उदो बाद आंदे 10-15 मिनट रेस्ट कीती, नाले मैं अभिषेक ने चल गया। हुणे जस्ट आया, हाथ मुंह पैर धोता, नाले मैं आ गया अपने किचन च, नाले व्लॉग स्टार्ट किया। हुण मैं अपना जल्दी जल्दी करा लंच, क्योंकि मैं आशीष नूं लैके जाना बाहर किते, बाद चो घर जाके उहदा रूम डेकोरेट करनगे। ते अभिषेक ते जाई ने जाके उहदे घरे रूम डेकोरेट वगैरा करना, जिहदा ही समान पहले लैण दा वा। ते मैं आशीष नूं लैके जाना घरों बाहर, ते उह मैनूं लैके जाऊंगा शीदा साहिब। ते फ्रेंड्स, लंच वगैरा मैं कर लिया, हुण मैं चला आशीष दे घरे, उहनूं उत्थों लैके फिर जावांगा शीदा साहिब। ते मिलदे आ तुहानूं सिद्धा जाके। तो फ्रेंड्स, मैं तो पूरा रेडी हो गया। मैं तो आशीष शीदा साहब तो होके सीधा घरे आके, तो मैं उत्थे 5-10 मिनट रुकया, फोन वगैरह चार्ज किया अपना, फिर उस तो बाद रेडी वगैरह हो गया। आशीष के घरे आ चुका वा, जदी भी आ गया है, तो अभी भी पूरा रेडी फुल रेडी हो गया। तो बस आशीष रेडी होने दिया वा। तो फ्रेंड्स, हम अभी ना आ गए उपर वाले कमरा, आशीष का अवला कमरा वा, इन डेकोरेट किया हो पूरा। तो हम लॉक खोल दिया वा, तो बाकी रेड वाले फ्रेंड्स देखता रूम किड्डा वधिया डेकोरेट किया इन्होंने। बाकी सारे बलून तो साढ़े फुट गए, क्यों होर भी अभी बलून वगैरह लिया, मतलब रेड कलर के होर दिल दुल वाले, वो तो सारे खराब हो गए। बाकी तीन चार जने आए जो रास्ते है, इधर आशीष। तो फ्रेंड्स, सारे मोस्टली फ्रेंड्स आ चुके आ, साडा केक जेड़ा ही सारे लै कहिंदा, ते ओ उन्हां ने जेड़ा लै कहिंदा इन्हां सारे ने। हुण फ्रेंड्स आ साडा प्लान सी कुछ, मतलब रूम वगैरह डेकोरेट किया इन्हां दा। आ रहा केक, आशीष दा फेवरेट कार्टून, आशीष दा फेवरेट नाम, आशीष दा फेवरेट कलर। नहीं नहीं यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट हट, एक मिनट हट, आप फट अभी अभी आप आओ। चपेड़ा नहीं दे रही पिछो दी, इधर वेख मेरा केक उधर पे, मेनू आवाज घट कर, आवाज घट कर, आई आई वाला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आशीष, हैप्पी बर्थडे टू यू।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ निकल गए हाँ घरे उत्थे मैं मखान च पाया क्योंकि साढ़े को अंदर टाइम नहीं गया बिल्कुल भी मतलब आना जाना लगा बार बार इस करके मैं अंदर ब्लॉग नहीं कर पाया तो हूँ अं चले फिर चीजें घरे की पता हूँ उसके डांस वगैरह करिए अं चलते हैं अवीर का है ये गाना नवा आया यूट्यूब कि मिस्टर जस्सी गिल चैनल जाके सबसक्राइब करो तो गाना जरूर सुनना बहुत कैंट गाना है तो वही जाके हमें लावे अं तो हम जल्दी जल्दी चलिए घरे अपने मिस्टर जस्सी नहीं है मिस्टर जस गिल मिस्टर जस गिल आ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਲੀਏ ਘਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਆਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੋ ਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਚਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਮੈਂ हाय गाइस ये मेरा फ्रेंड है इसको लाइक करो सपोर्ट करो फॉलो करो Yeah.
ਜਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਧੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਲੌਗ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੀ ਦਾ जरूर देखना बहुत ही ज्यादा हास्याली बनी अज बहुत ही ज्यादा मजा आया फ्रेंड्स मतलब की लगता ही नहीं बर्थडे पार्टी है मतलब कोई जिदा ना बहुत वड्डा फंक्शन किया जिदा मैं तुहानू दुबारा विखा देना रूम अहीं इदां डेकोरेट किया ਤੇ ਬੈਲੂਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗਈ ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਟ ਗਏ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈ ਨਾ ਟਾਟਾ ਗਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਬਸ ਫਰੈਂਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਟਾਟਾ ਗਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਸ ਜੀ ਵਲੌਗਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪਾਰਟਨਰ ਸੋ ਅੱਧੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਸ ਅੱਜ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਸ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੇ ਜੇ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ बहुत खुशकिस्मत हो तुम तारा सिंह जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है क्या सोच रहे हो तुम्हें इस्लाम कबूल है आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना तुम्हें इस्लाम कबूल है काशी काबा एक है राम रहीम तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं माशाल्लाह सुभान अल्लाह आप मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ करें एक बार काजी साहब इससे पहले किसी कदम पाक मस्जिद में पड़े ये बात तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है कहो इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद कहो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है इसे हमें कोई इतराज नहीं लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद बकवास बनकर जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहेगा हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है उनके होठों दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद तो क्या होगा कि मुसलमान नहीं है बकरी है बकर अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता बस बहुत हो गया अगर मैं अपने बीवी बच्चों के साथ चुका सकता हूँ तो मैं सबके साथ काट भी सकता Thank you.
बहुत वधिया तुहानू एक कोई चीज आया जी एहो जी क्लिक कहीं कीती है तो तुहानू दिखावांगे नेक्स्ट व्लॉग जो साडे नाल जुड़े रहो अगली